गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारी हाइड्रोलिसिस मैकेनिक्स की क्लास में पार्ट नंबर 5 है ना। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताई थी, कई सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी का हमने डिस्कशन किया है आपसे इससे पहले। आज हमारी 3 प्रॉपर्टी हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चों आपको पता है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता क्या है। जैसे अगर कोई हमारे पास दो फ्लूड है बच्चों, है ना, अगर दो फ्लूड को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो दोनों फ्लूड जहां पर एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम माने कि कोई फ्लूड हमारा ए है और दूसरा फ्लूड बी है, तो दोनों फ्लूड जहां पर आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्ट वाली सरफेस पर इस फ्लूइड द्वारा एक तनाव बल आरोपित होगा और इस फ्लूइड द्वारा एक दूसरा तनाव बल आरोपित होगा। यानी किसी फ्लूइड के कॉन्टेक्टिंग सरफेस के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले तनाव बल यानी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है, इसका जो एमपीएस यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर मीटर होती है। इतनी बात समझ में आई है ना। अगर हम जैसे माने कोई अगर हमारे पास टैंक है, ठीक है, टैंक में हमारा क्या है, कोई वाटर भरा हुआ है, इसमें अगर हम कोई ऑयल यानी कोई तेल की दो बूंदों को प्रदर्शित करना चाहें या तीन बूंदों को प्रदर्शित करना चाहें, तो होगा क्या कि पहली जो जो ए है पॉइंट है, जो बी है और जो सी है ऑयल की जो तीन बूंदे हैं, इन पर लगने वाले पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसा कि हम बात करें कि ये जो हमारी ये ऑयल सी है, इस पे चारों तरफ क्या होगा, यूनिफॉर्म टेंशन काम करेगा। यानी जो ऑयल और वाटर की जो सरफेस है और पॉइंट सी यानी ऑयल सी पर संपर्क में आने वाले जल पर तनाव बल का मान क्या होगा, एक रूप से समान रूप से वितरित होगा। जबकि हम बात करें बी की, तो बी का कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा फ्री है, फ्री सरफेस पे है। कहाँ पे है, फ्री सरफेस यानी मुक्त सतह पर पाया जा रहा है। इसका मतलब ये जो बी वाला पॉइंट है, इस पर लगने वाला जो नीचे फोर्स होगा उसका मान क्या होगा, ऊपरी फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात करें अगर इसकी, तो इस पॉइंट ए का आधा सरफेस क्या है, वाटर में है और आधा क्या है, फ्री सरफेस पे है। तो इस पर जो फोर्स कार्य करेगा सरफेस टेंशन का, वो इक्वली रूप से दोनों तरफ इक्वल रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई पृष्ठ तनाव की। हम बात करें वाष्प दाब, तो वाष्प दाब क्या होता है कि जिस प्रेशर पर हमारा कोई फ्लूइड वो क्या हो, वेपर कंडीशन में बनना स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तथा वह प्रेशर जिस पर फ्लूइड हमारा क्या हो रहा हो, वाष्प बनना शुरू हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। जैसे कि अगर हम माने जैसे हमारा ये कोई कंटेनर में अगर हमारे पास कोई फ्लूइड भरा है, मानो अगर हमारे पास कोई द्रव ए भरा है, इस समय इसकी प्रारंभिक स्थिति में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा अगर हम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर मानो अगर 4.8 दिया हुआ है या 0.8 अगर प्रेशर है, अगर हम इसके तापमान को बढ़ाकर 100 डिग्री यानी अगर ये हमारा जो द्रव है, माने कि 100 डिग्री पर ये द्रव हमारा क्या हो, वाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि इस टेम्परेचर तक लाने पर हमारा जो दाब परिवर्तित होगा, जैसे माने अगर हमारा 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये दाब क्या कहेगा, इस दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे, क्योंकि इस वाष्प दाब से क्या है, हमारा फ्लू जो है वाष्पीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो बच्चों हम बात करें जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, उसे क्या कहते हैं, संपीड़ता। अगर किसी भी अगर हम कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको थोड़ा बहुत प्रेशर लगा के दबाते हैं, तो क्या होगा, इसके कुछ ना कुछ प्रेशर लगाने पर इसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। इसका मतलब अगर हम इस पर कोई बल लगाएं, तो ये कुछ ना कुछ क्या होगी, दबेगी। दबने की इस गुण को, इस जेस्चर की क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है यानी
ये क्या होती है बच्चों? आयतन, आयतनी प्रत्यास्था गुणांक के समान। आयतन प्रत्यास्था गुणांक की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इस पिस्टन पर पहले से प्रेशर क्या कार्य कर रहा हो? पी कार्य कर रहा हो। ठीक है, इस पर प्रेशर क्या हो? पी कार्य कर रहा हो। और इनिशियल स्टेट में इसका आयतन कितना हो? बी हो। अगर हम इस पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन के मान में कुछ ना कुछ कमी आएगी। ये जो आयतन की कमी आएगी उसको क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग ऑफ किया जाता है। माने तो अगर प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक में बात करें, प्रेशर क्या था? पी था। पी क्या है? दबाव है। ठीक है, बी क्या है? आयतन है। अगर हम बात करें कि अगर प्रेशर हमने अप्लाई किया यानी अंतिम स्थिति में हम बात करें तो अंतिम स्थिति में प्रेशर क्या हो जाएगा? पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। और आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? बी माइनस डेल्टा बी होगा। तो हम बात करें दाब परिवर्तन की, तो दाब परिवर्तन का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? पी प्लस डेल्टा पी में से माइनस पी करेंगे, क्या आएगा? डेल्टा पी आएगा। ठीक है, आयतन परिवर्तन की अगर हम बात करें, आयतन में परिवर्तन जो है वो क्या आएगा? वो होगा बी माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ से आयतन में परिवर्तन क्या आया? डेल्टा बी। अब हम बात करें आयतन में जो हमारे आयतन प्रत्यास्था गुणांक की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि आयतन विकृति, आयतन विकृति की अगर हम बात करें तो आयतन विकृति क्या होगी? डेल्टा बी अपॉन बी। लेकिन इसमें ये हो गया हमारा आयतन में विकृति आ गई। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि ये आयतन में जो विकृति है और आयतन प्रत्यास्था गुणांक की अगर हम बात करना शुरू करते हैं तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का जो मान होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं? वो क्या होता है? दाब परिवर्तन, दाब परिवर्तन अपॉन में आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन। ठीक है, दाब परिवर्तन कितना है? P है, डेल्टा P आया है। यहां से जो दाब परिवर्तन डेल्टा P निकाला है। और आयतन में परिवर्तन विकृति का मान क्या है? आयतन परिवर्तन विकृति से बोलेंगे, आयतन परिवर्तन विकृति। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? डेल्टा बी अपॉन बी। अब हम बात करें तो इसका मान क्या आएगा? डेल्टा बी इंटू बी माइनस डेल्टा बी। इतनी बात समझ में आई बच्चों, है ना? तो अब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये के का मान आ गया। ठीक है, इस के मान आने पे इसी को हम के से डिनोट किए थे और संपीड़िता को बीटा से डिनोट किया जाता है। तो बीटा बराबर वन अपॉन के अगर करेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन डेल्टा ई इंटू बी अपॉन डेल्टा बी। अगर हम इसको ऊपर पलट देते हैं बच्चों तो क्या आएगा हमारा? वन माइनस बी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी। ये हमारा कितना आता है? ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज हमने क्या जाना कि आज हमने ये जाना कि कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है और कंप्रेसिबिलिटी का जो डेरिवेशन पेपर में आता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो ठीक है बच्चों, आज आप मैं बगल में करता हूँ, आप शॉर्ट स्ट्रीम ले सकते हैं और कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।